Jasmeet Singh Sandhu has achieved third rank in Civil Services Exam 2015 in his fourth attempt. He is an engineer from IIT Roorkee and is presently working as an IRS probational officer. Jasmeet's father, J.S. Sandhu, is an officer in the Agriculture Ministry and his mother, Surinder Sandhu, is a homemaker. He gave credit for his success to his family, friends and teachers. He underlined some indispensable points for the IAS exam preparation in talks with JagranJosh.com. What was your strategy for the essay paper? Essay paper में पहले मेरे marks थोड़े कम रहे हैं और जो मैंने इस बार strategy change किया उसने मुझे काफी अच्छे marks दिलाए हैं। तो strategy simple है, आप किसी भी topic को पहली बात चुनें तो इस बिना पे चुनें कि आपको उस topic में आता कितना है। इसलिए मत चुने कोई टॉपिक कि ये लोग ये बाकी बच्चे नहीं लिखने वाले हैं या ये बहुत आसान है, इस बिना पे मत चुनिए। चुनिए इस बेसिस पे कि ये आप पे इस पे बहुत सारा मटेरियल है और आप इसे लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप किसी भी टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस करें, उसके बारे में बताएं, उसके बारे में बैकग्राउंड दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ ऑफ योर एसे में एक क्लियर कट स्टैंड दिखना चाहिए आपके आंसर में। यही चीज मेरे हिसाब से बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस लाने वाली है आपके आंसर्स में। जो मैं कह रहा हूं वो चीज ये है कि अगर सवाल आता है कि कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, तो आपसे सवाल पूछा है। कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसे लिखते हैं और अंत तक इस चीज का कोई जवाब नहीं मिलता है टीचर को। तो तीसरे ही चौथे पैराग्राफ में उस बच्चे को, टीचर को क्लियर कर देना चाहिए कि जैसे आप एक बैलेंस स्टैंड ले लीजिए कि विद नेसेसरी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कैपिटलिज्म कैन एंड विल ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। इससे क्या होगा, आपने टीचर को कन्वे कर दिया है क्लियरली आपका आंसर क्या है। और यही मेरी गलती रही है पास्ट के अटेम्प्ट्स में कि मैं क्लियर ही नहीं करता था टीचर को कि मेरा फाइनल स्टैंड क्या है। अब आपको इस स्टैंड को एज अ लॉयर डिफेंड करना है और इस एज अ लॉयर जब आप इसको डिफेंड कर देंगे आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव फॉर एसे राइटिंग? ऐसे पेपर के लिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं। बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज की जरूरत है, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल टच की जरूरत है। अगेन ये सारे मिसकंसेप्शन हैं, अगेन ये बहुत सारे बहुत बेकार के नोशंस क्रिएटेड हैं। मेरी हिदायत आपको यही होगी, सिंपल भाषा में लिखें, सिंपल कोटेशन यूज करें अगर आपको याद आ रहे हैं ऑन द स्पॉट। अगर आप नहीं याद आ पा रहे हैं मत लिखे कोटेशन, आप वही चीज लिखे जो ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, और वो चीज मत लिखें जिस चीज को पकड़ जाने पे टीचर बहुत कम नंबर देगा। हाउ इम्पोर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट फॉर द एसे पेपर? पहले तो एक ही एसे लिखना होता था तो कम दिक्कत होती थी टाइम मैनेजमेंट को, बट अब दो एसे हो गए हैं और टाइम उतना ही है तो दो बार सोचना पड़ता है, दो बार फ्रेम करना पड़ता है, दो बार स्ट्रेटजी रिवाइज करनी पड़ती है और फिर एसे लिखना पड़ता है। तो अब आप पे ज्यादा प्रेशर है टाइम का और आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत है इस तरह कि आप डेढ़ डेढ़ घंटे का पहले ही स्लॉट असाइन कर लीजिए कि तीन घंटे में मुझे दो ऐसे लिखने और उस डेढ़ घंटे में पहले 10-15 मिनट आप पूरी स्ट्रेटजी पे लगाएं कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे उसके स्टैंड पे जाएंगे, कैसे उसके बॉडी पे जाएंगे, क्या क्या मेन पॉइंट आएंगे, क्या कंक्लूजन्स में आएगा, ये पहले ही निर्धारित कर लें और फिर 15-20 मिनट बाद पहला ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। जरूर ये भी देख लें कि कितने पृष्ठ यानी कितने पेज एलोकेटेड है एक ऐसे के लिए, उस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है, अदरवाइज आप दूसरे ऐसे में लिखना शुरू कर देंगे जो कि आपको मार्क्स नहीं देगा। तो टाइम और स्पेस दोनों मैनेजमेंट करना है। तो इसके लिए मेरी यही आपको हिदायत होगी कि एग्जाम जाने से पहले एक दो सैंपल ऐसे जरूर लिखे जाएं ताकि आपको नेसेसरी कॉन्फिडेंस रहे। ऑन व्हाट एस्पेक्ट्स शुड द कैंडिडेट्स फोकस व्हाइल प्रिपेयरिंग द एसे पेपर? एस्पेक्ट्स जो कि आपको फोकस करने की जरूरत है वो ये है कि पहली बात क्लियर इंट्रोडक्शन मिलना चाहिए कि आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है और उसके बारे में डेफिनेशन दिखनी चाहिए। सेकेंडली क्लियर स्टैंड दिखना चाहिए, अगर स्टैंड क्लियर नहीं होगा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तीसरा एस्पेक्ट जो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे को स्ट्रक्चर कीजिए और लिंकअप कीजिए। कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन अनकनेक्टेड नहीं होनी चाहिए आपके ऐसे में। अपनी भाषा को ऐसे यूज करने की कोशिश करिए कि लाइन्स कनेक्ट हों, पैराग्राफ्स कनेक्ट हों और आपके ऐसे में एक लॉजिकल कंटिन्यूटी हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि बच्चों के ऐसे में मिसिंग होता है। ऑल्सो इसके साथ साथ ये याद रखा जाए कि मल्टी डिमेंशनल पर्सपेक्टिव दिया जाए, कभी भी एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे रीजन आउट मत करिए। तो अगर आपको ऐसे मिलता है तो उसमें पॉलिटिकल एंगल भी लिखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल भी लिखिए, इकोनॉमिकल एंगल भी लिखिए, सोशल एंगल भी लिखिए, टेक्नोलॉजिकल एंगल भी लिखिए। जितने भी पर्सपेक्टिव्स आप कवर कर सकते हैं आपका ऐसे उतना ही इनरिच होगा।
On which topic did you write the essay? इस बार मैंने जो दो ऐसे लिखे थे उनमें से एक तो ये था, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सेक्शन बी वाला था. सेक्शन ए में मैंने लिखा था, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज इफ नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज कैन मेक मैन अ डेविल. और दोनों ही सेक्शन में मैंने ये कोशिश की थी कि क्लियर कट स्टैंड लेके उस स्टैंड को एज अ लॉयर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए. What suggestions would you like to give to the future candidates for the IAS main exam? ऐसे के लिए पहली बात तो सारे मिसकंसेप्शंस दूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे के लिए कोई क्लासेस और कोई कोचिंग एकेडमीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगी. मेरे यही सजेशन है कि आप एक दो ऑनलाइन टॉपर्स के ब्लॉग्स को जरूर पढ़ें. इनमें मैं दो लोगों का नाम क्लियरली अभी रिकॉल कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा उनके ब्लॉग जरूर पढ़िएगा. एक तो है पुनीत गुलाटी जी, इनके 2009 में 200 में से 140 नंबर आए थे और इनकी ब्लॉग की स्ट्रैटेजी अनिधि द्विवेदी के ब्लॉग पे लिखी हुई है, जरूर इनका ऐसी स्ट्रैटेजी पढ़ें. इसके साथ साथ सागर उपाध्याय जी हैं और उनकी भी स्ट्रैटेजी उन्होंने लिखी हुई है अपने ब्लॉग पे. दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सेम है और वही स्ट्रैटेजी गौरव अग्रवाल ने भी यूटिलाइज की थी जब वो उनका पहला रैंक आया था.